Welcome to online training by हमारा पहला वर्ड है असेंट और असेंट। दोनों में डिफरेंस सी और एस का है पहले हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या है असेंट इज द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग और मूविंग इसलिए ऊपर चढ़ने को क्लाइंब करने को असेंट कहते हैं फॉर एग्जाम्पल she made her first successful ascent of Everest last year. उसने अपना फर्स्ट सक्सेसफुल क्लाइम किया एवरेस्ट का पिछले साल इसका एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है असेंट ऑफ द माउंटेन आफ्टर लंच हम ऊपर चढ़ना लंच के बाद शुरू करेंगे नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है असेंट इट इज एन ऑफिशियल अग्रीमेंट टू और अप्रूवल ऑफ एन आइडिया प्लान और रिक्वेस्ट बेसिकली असेंट एक अग्रीमेंट है किसी चीज के अप्रूवल का फॉर एग्जाम्पल उसने अपना अग्रीमेंट अ नॉड करके दिखाया या इसका एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है द सीईओ असेंटेड टू द न्यू बिजनेस मॉडल द सीईओ असेंटेड टू द न्यू बिजनेस मॉडल मतलब सीईओ ने नया बिजनेस मॉडल अप्रूव किया अब इन दोनों के डिफरेंस को याद रखने के लिए आप जो एसेंट सी वाले का सी है उसको क्लाइम से कर सकते हो एसोसिएट क्योंकि इसका मीनिंग में भी क्लाइम आता है तो जिसमें सी आता है वो क्लाइम से रिलेटेड है आई होप ये क्लियर होगा नेक्स्ट हमारा वर्ड है एसे और एसे एसे इज टू परफॉर्म एन एग्जामिनेशन ऑन अ केमिकल इन ऑर्डर टू टेस्ट हाउ प्योर इट इज ये एक साइंटिफिक टर्म है एसे फॉर एग्जाम्पल उसने गोल्ड पर एग्जामिनेशन किया उसकी प्योरिटी डिटाम ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेशली वन डन बाय स्टूडेंट्स एज पार्ट ऑफ द वर्क फॉर अ कोर्स जो हमें हॉलीडे होमवर्क मिलता था एस से लिखने के लिए वो वाला एससे है ये फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सिंग थ्री एस ए वॉज टेरिफिक अब इन दोनों को याद करने के लिए एक सिंपल सी चीज है दोनों की स्पेलिंग में सिर्फ ए और ई e का डिफरेंस है तो हम उन्हीं को ही लेके चलते हैं ए को आप एसोसिएट कर लो असेसमेंट से और ई e को एसोसिएट कर लो एजुकेशन से तो मतलब जो जिसमें ए आ रहा है वो असेसमेंट कर रहे हैं किसी चीज का जिसमें ई e आ रहा है वो एजुकेशन से रिलेटेड है क्योंकि हम यूजुअली स्कूल में ही एस वगैरह का काम ज्यादा करते हैं ये बहुत इजी था आई होप क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट हमारे वर्ड है बेल और बेल दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है बी ए आई एल और बी ए एल ई पहले हम देखते हैं बी ए आई एल का मीनिंग क्या होता है बेल इज एन अमाउंट ऑफ मनी दैट अ पर्सन बीन अक्यूज ऑफ अ क्राइम पेज टू लॉ कोर्ट सो दैट दे कैन बी रिलीज अंटिल दे ट्रायल

जज ने बेल देने से मना कर दिया और इसका क्या हो सकता है आई ड्रोव डाउन टू द कोर्ट हाउस वूल और क्लॉथ दिन टाइटली टूगेदर बी एल ई बेल का मतलब होता है कोई चीज बहुत टाइटली बंदी हुई है एक साथ फॉर एग्जाम्पल मस्ट बी बेल्ड

नेक्स्ट हमारे वर्ड्स हैं बेयर बेयर या फिर बियर अब बेयर क्या होता है बेयर मीन्स विदाउट एनी क्लोथ और नॉट कवर्ड बाई एनी थिंग इट ऑल्सो मीन्स ओनली द मोस्ट बेसिक और इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम्पल देर इज नो कार्पेट इन द रूम जस्ट बेयर फ्लोर बोर्ड्स कार्पेट नहीं बिछा हुआ सिर्फ फ्लोर बोर्ड्स है या फिर आई जस्ट पैक द बेयर असेंशियल मैंने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पैक करी है या फिर मोस्ट बेसिक चीजें पैक करिए हो सकता है this is a bear tree. क्योंकि bear का मीनिंग so, क्या होता है? है? अब होता टॉलरेट और इंडियोर समथिंग स्पेशली समथिंग अनप्लेजेंट इस वाले बेयर का मतलब है किसी चीज को सहना फॉर एग्जाम्पल आई कैन नॉट बेयर हिज कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म इस बेर का एक और मतलब होता है बेयर एनिमल नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है बियर इज स्लाइटली बिटर एल्कोहोलिक ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन ग्रेन से बनी हुई एल्कोहल फॉर एग्जाम्पल द मॉर्निंग आफ्टर द पार्टी द होल हाउस टैंक ऑफ बियर एंड सिगरेट्स नेक्स्ट वर्ड है हमारा बर्थ और बर्थ अ बर्थ इज बेड इन अ बोट ट्रेन एक्सेट्रा और अ प्लेस फॉर अ शिप और जो में हमने देखे होंगे उसको बर्थ कहते हैं इस फोटो में जो आपको दिख रहा है का इसे बर्थ कहते है। अब बी आई आर टी एच क्या होता है बर्थ इज द टाइम बेबी और यंग एनिमल कम्स आउट ऑफ इट्स मदर्स बॉडी बेसिकली बॉर्न होने वाले टाइम को बर्थ कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वेटेड एट पाउंड में डिफरेंस कैसे याद रखें इसमें बर्थ और बर्थ में ई e और आई का डिफरेंस है तो हम उसी को ही लेके चलते हैं बर्थ में जो बी ई है आप उसको एसोसिएट कर सकते हो बेड से क्योंकि उसके मीनिंग में भी बेड आता है तो इसलिए इजी हो गया नेक्स्ट हमारे वर्ड है बिसाइड beside और बिसाइड्स बिसाइड मींस एट द साइड ऑफ और नेक्स्ट टू मतलब बगल में

एग्जाम्पल क्या हो सकता है रिया हैज फ्रेंड्स बिसाइड्स लिया रिया के लिया के अलावा और भी दोस्त हैं अब इन दोनों का डिफरेंस कैसे याद रखे आप तो मतलब साइड में आई होप भी इजी हो गया होगा नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट हमारे वर्ड है ब्राइडल और ब्राइडल ब्राइडल विद इन ए एल का मीनिंग होता है Things of a woman about to be married or of a marriage ceremony. For example, the magazine had a section on bridal wear. Ya yeah, this is a bridal mehndi. a B-R-I-D-L-E, kya hota hai? It is a set of leather straps that are put around a horse's head to allow its rider to control it. It also means to show sudden anger. Gode kes, हेड के अराउंड जो पट्टा डाला जाता है उसको ब्राइडल कहते हैं। या फिर मतलब एकदम से गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया उसने ऑन द सजेशन कि वो झूठा है आप इन दोनों में डिफरेंस एक सेंटेंस के थ्रू याद रख सकते हो वो है ब्राइड्स इन देर ब्राइडल गाउन्स वेट फॉर ग्रूम्स टू अराइव ऑन देअर ब्राइडल हॉर्स अब इसमें ब्राइड्स पहले आएगा ये वाला उसके बाद आएगा ब्राइडल हॉर्स ब्राइडल हॉर्सेस सो ब्राइड्स इन देर ब्राइडल गाउन्स वेट फॉर ग्रूम्स टू अराइव

वॉट्स योर फेवरेट ये जो फोटो है इसमें अलग अलग तरीके की एग्जाम्पल कैसे याद रखोगी प्रोडक्शन में ई की साउंड ज्यादा आती है ब्रीड री रीप्रोडक्शन तो ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएट हो गए और ये इसके मीनिंग में भी आता है तो आप इन दोनों को ऐसे डिफर कर सकते हो नेक्स्ट हमारे वर्ड्स है कैजुअल और कॉजल कैजुअल मींस नॉट टेकिंग और नॉट सीमिंग टू टेक मच इंटरेस्ट ऑल्सो कैजुअल क्लोथ्स आर नॉट फॉर्मल और नॉट सुटेबल फॉर स्पेशल ओकेजन फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी अराउंड द कॉन्फ्रेंस होटल सीम्ड ऑलमोस्ट कैजुअल मतलब वो अपने ड्यूटी में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे या बहुत अटेंशन नहीं दे रहे थे अपने काम को लाइटली ले रहे थे दिस फोटो डिस्क्राइब्स कैजुअल ड्रेस फॉर वर्क मतलब ना ज्यादा फॉर्मल और ना ज्यादा घर वाले कपड़े अब कॉजल क्या होता है कॉजल इज अ रिलेशनशिप लिंक एक्सेट्रा बिटवीन टू थिंग्स इन विच वन कॉज इज अदर फॉर एग्जाम्पल देर इज नो कॉजल कनेक्शन बिटवीन द टू मतलब उन दोनों में कोई लेना देना ही नहीं है या फिर ये कॉजेज हैं और ये आउटकम है तो ये दोनों का जो रिलेशनशिप है ये हो गया कॉजल रिलेशनशिप अब इन दोनों का डिफरेंस कैसे याद रखे कॉजल को बोलते टाइम कॉज आता है तो आप उससे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप याद रख सकते हो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आई होप ये क्लियर होगा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है और या फिर अपर सरफेस अब यू इट इज आल्सो एन अपर लिमिट यूजुअली रिलेटिंग टू मनी फॉर एग्जांपल द बुक्स वॉज टैक् फ्रॉम द फ्लोर टू द सीलिंग बुक्स जमीन से लेके छत तक थी या फिर द गवर्नमेंट इम्पोज वेज सीलिंग ऑफ थ्री परसेंट गवर्नमेंट ने थ्री परसेंट की सीलिंग लगा दी है एक लिमिट लगा दी है अब सीलिंग इज द एक्शन और प्रोसेस ऑफ फास्टनिंग और क्लोजिंग समथिंग सिक्योरली सील टाइट कहते हैं ना उसका मतलब है ये इट ऑल्सो मीनस हंटिंग एंड किलिंग ऑफ सील्स फॉर एग्जाम्पल द क्लर्क वॉज सीलिंग द लेटर इन हिस्स ऑफिस या फिर सीलिंग इज प्रोहिबिटेड अब इन दोनों में डिफरेंस आप बहुत इजीली रिमेम्बर कर सकते हो क्योंकि ए एल -E वाले में सील खुद ही आ रहा है तो ये तो मीनिंग से ही रिलेटेड है तो ये बहुत इजीली याद रह सकता है या फिर आप सीलिंग इस वाले के सी को कंट्रोल से भी एसोसिएट कर सकते हो तो उससे आप कंट्रोल ऑफ प्राइसेस वाला याद रख सकते हो इन दोनों के एक एक साम्पल और ये हो सकते हैं जैसे आप ये देख रहे हो ये एक सीलिंग है इसको आप कह सकते हो दिस इज अ सीलिंग या फिर सीई एल आई एन जी का एक मीन एक और एग्जाम्पल हो सकता है ही डिड नॉट सील द बॉक्स एज ही वॉज यूजिंग नॉर्मल स्कॉच टेप होप यू कैन नाउ अनकन्फ्यूज दीज कन्फ्यूजिंग वर्ड्स दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन वी विल हैव मोर कन्फ्यूजिंग वर्ड्स इन द नेक्स्ट सेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग